चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करते हैं कैसे काम करता है। आपको पता होगा किसी भी वायर के लिए अगर हम बात करें, किसी भी वायर के लिए बात करें जिसकी लेंथ है एल, अगर लेंथ है एल तो अगर लेंथ और डायमीटर है डी, दिस इज द डायमीटर डी ऑफ द वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, सो देयर इज सम एरिया ऑल्सो, सो देयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड दैट इज गिवन बाय रो एल अपॉन ए, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज रो एल अपॉन ए, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर in ohm, rho is the density, rho is the resistivity of material, rho is the resistivity of material of wire, jo bhi wire hai uski resistivity ki baat kar rahe hain. Second is l, that is l is the length of the wire, l is the length of the wire and d is the diameter of the wire, d is the diameter of वायर, और लेंथ और डायमीटर तो एरिया भी होगा, ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा एंड द एरिया इज गिवन बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बट वी आर नॉट कंसीडर्ड हियर, हम यहां पे बात क्या करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाय, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर का मतलब है कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है किसकी वजह से, लेंथ की वजह से, एरिया की वजह से, रेजिस्टिविटी की वजह से, तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। देखिए इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, लेंथ का यूनिट है मीटर और डायमीटर भी किसमें होता है मीटर में, ये दिस इज रो, दैट इज नॉट डेंसिटी, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो मैंने कहा इलेक्ट्रो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो बाय वेरिंग वन ऑफ द क्वांटिटी, और क्वांटिटीज क्या है, लेंथ, एरिया या रेजिस्टिविटी। तो पहली क्वांटिटी जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर मैं लेंथ चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर वो चेंज हुआ तो वो किस में काम आएगा, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर यानी पॉट, पीओटी। सेकंड इज अगर मैं यहां पर लेंथ चेंज कर रहा हूं तो एरिया तो चेंज हो ही रहा है, दूसरा अगर मैं कहूं कि मैं इसको स्ट्रेन दे दूं, स्ट्रेन का मतलब क्या है, अगर ये रेजिस्टेंस वायर है या तो मैं इसको कंप्रेस कर दूं या टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स देने का मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बाहर निकालने, कंप्रेस का मतलब इसको ऐसे दबाव दे दें, दबाव, तो अगर इसमें मैं स्ट्रेन कर दें, इस वायर को हम स्ट्रेन कर दें तो ये रेजिस्टेंस चेंज होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेन करोगे इसका एरिया चेंज होगा, डायमीटर चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, बात समझ में आ रही है, जैसे ही इसको स्ट्रेन करोगे यानी टेंसाइल फोर्स दोगे इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर, इसका लेंथ और डायमीटर दोनों चेंज होगा, और लेंथ और डायमीटर चेंज होगा तो फिर रेजिस्टेंस चेंज होगा, एंड दिस रेजिस्टेंस इज यूज टू मेजर व्हाट, दैट इज यूज टू मेजर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन गेज में काम में आएगा, और ये मेजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा डिस्प्लेसमेंट फोर्स या प्रेशर, जो हम आगे बात करेंगे जब प्रेशर फोर्स डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे। तीसरा, जब आप रेजिस्टिविटी चेंज करना चाहते हो, रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट कैसे कहते चेंज होगा, अगर आपने लेंथ चेंज करी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन द वैल्यू ऑफ लेंथ, चेंज इन रेजिस्टेंस विथ चेंज इन वैल्यू ऑफ लेंथ, चेंज इन रेजिस्टेंस विथ चेंज इन वैल्यू ऑफ लेंथ, अगर लेंथ चेंज हुई तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और ये किस में काम में आएगा, यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज यूज इन द मेजरमेंट ऑफ, यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, used in the measurement of linear and rotational displacement, used in the measurement of linear and rotational displacement। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम यह है, दूसरी मुझे क्या चीज चेंज करनी है, मैंने कहा कि अगर मैं रेजिस्टेंस चेंज करना चाहूं तो मैं इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चेंज इन द रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेन्ड, चेंज इन द रेजिस्टेंस व्हेन स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड का मतलब यह है कि मैं इसको टेंसाइल फोर्स भी दे सकता हूं यानी खिंचाव और दबाव यानी कंप्रेशन, स्ट्रेन करेंगे तो ये बेसिकली काम क्या करेगा, बेसिकली ये स्ट्रेन गेज की तरह काम करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे चेंज इन द वैल्यूज व्हेन इट इज स्ट्रेन्ड, तो ये स्ट्रेन गेज की तरह काम करेगा, वहां पर वो हम देखेंगे कि स्ट्रेन गेज में बेसिकली चार व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में चार गेजेस है, किस किस को, क्वार्टर ब्रिज है, हाफ ब्रिज है, फुल ब्रिज है, वो आगे बात करेंगे, ये काम क्या करेगा, यूज इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड प्रेशर, दैट इज यूज इन measurement of displacement, used in the measurement of displacement force and pressure, कौन, strain gauge, and third most important, जब मुझे resistivity change करनी है, देखो जब मैं length change कर रहा हूं normal सी बात है, ये तो change हो रहा है, ये resistivity कब change होगी, resistivity change होने का मतलब ये हो गया कि temperature change होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया
change in resistance when temperature is change, when temperature is change. अगर temperature change हुआ तो resistance change होगा. Temperature change होने का मतलब क्या? Resistivity change हो रही है. Temperature change होने का मतलब क्या है? Resistivity change हो रही है. और resistivity change हो रही है और temperature change हो रहा है. That is used in RTD. जो हम RTD पढ़ेंगे यहाँ पे resistance temperature detector. उसका काम क्या है? जब temperature change होगा तो resistance change होगा. यानी temperature high होगा तो resistance भी increase होगा. तो तीन चीजें हैं जिस पर resistance depend कर रहा है. One is strain. जैसे strain के जब strain करेंगे खिंचाव यानी tensile force या compression. उसको हम देखेंगे कैंटिलीवर में कैसे डिस्कस करना है. दूसरा है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा. तीसरा है जब लेंथ चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा. ये कहां कहां पे काम में आता है? ये आरटीडी में काम में आएगा. ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स मेजर, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और प्रेशर मेजर करता है. ये लीनियर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के काम में आता है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट काम कैसे करते हैं. यानी पोटेंशियोमीटर जो है पॉट जिसको आप बोलते हो पॉट, वो काम कैसे करता है लीनियर पोटेंशियोमीटर. ठीक है, देखिए डायग्राम बनाते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे काम करता है. राइट ऑन पॉट या इसको बोलते हैं लीनियर पोटेंशियोमीटर या पॉट. देखिए उसको बनाना कैसे हमको यहां पर. दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर का यहां पे मैंने इसको सप्लाई दे रखी दैट इज EI. यहां पे कोई इसको सप्लाई दे रखी दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. यहां पे मैंने एक स्लाइडर लगा रखा है. क्या लगा रखा है? स्लाइडिंग वायर जो रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा है. स्लाइडिंग वायर कैसे कनेक्ट कर रखा है मैंने, देखिए दिस इज द स्लाइडिंग वाइपर और ये यहां पे आपको E0 मेजर करके दे रहा है. कहां पर? यहां पर. तो ये जो मैंने लगाया है ये क्या है? वाइपर. ये क्या है? वाइपर. और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये ऊपर से नीचे मूव कर रहा है. इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या है? RP. एंड दिस RP इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो टोटल लेंथ, जब मैंने कहा ये वाइपर मूव कर रहा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे तो कुछ ना कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे रहा है. तो यहां पे उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला XI और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो वायर का है वो कितना है? XT. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लो मिडिल पोजीशन पे है तो XI है, थोड़ा और ऊपर है तो भी उसका नाम XI है. जहां पर ये वाइपर रखा हुआ है स्लाइडिंग पोजीशन से उस डिस्प्लेसमेंट का नाम है XI. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. एंड व्हाट इज XT? टोटल लेंथ ऑफ द ट्रांसलेशनल पॉट यानी पोटेंशियोमीटर. तो E0 को EI को कैसे मेजर करेंगे? यहां पर देखिए व्हाट इज E0 एंड व्हाट इज EI. राइट डाउन E0 एंड EI क्या है. यहां पर EI एंड E0 आर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस. इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस. व्हाट इज RP? RP इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. RP इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज XI एंड XT? व्हाट इज XI? दैट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर. इनिशियली कहीं पे था, जैसे ही मैंने सप्लाई लगाई तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हुआ. That is the initial displacement या initial position of wiper. Initial position of wiper या initial displacement of the wiper. या अब XT क्या है यहां पर? What is XT? Total length. XT यानी total length of the linear potentiometer. XT is the total length of translation यानी linear potentiometer. Translational पॉट यानी पोटेंशियोमीटर. तो E0 अपॉन EI अगर आपको मेजर करना है तो यहां पर इट इज गिवन बाय E0 अपॉन EI. बेसिकली मेजर कैसे करते हैं? दैट इज XI अपॉन XT इनटू EI. दैट इज द आउटपुट वोल्टेज. हाउ यू मेजर दैट इज E0 अपॉन EI इज इक्वल टू XI अपॉन XT. ये बेसिकली मेजर कैसे हुआ? आउटपुट वोल्टेज अगर आप देखें, ये आउटपुट वोल्टेज मेजर कैसे हुआ? रेजिस्टेंस एट द आउटपुट टर्मिनल अपॉन रेजिस्टेंस एट द इनपुट टर्मिनल. मैंने मेजर किया यूजिंग वोल्टेज डिवाइड रूल. तो मैं क्या लिखूंगा? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल. रेजिस्टेंस एट आउटपुट टर्मिनल अपॉन रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल. रेजिस्टेंस एट इनपुट टर्मिनल इनटू इनपुट वोल्टेज. अगर आप देखें रेजिस्टेंस एंड आउटपुट टर्मिनल या वोल्टेज डिवाइड रूल से निकालें तो कितना आएगा? दैट इज RP XI बाई XT अपॉन इनपुट टर्मिनल का रेजिस्टेंस. टोटल कितना है? RP के बराबर मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज दैट इज EI एंड दैट इज द आउटपुट वोल्टेज. सो E0 इज XI अपॉन XT इनटू EI. दैट इज द आउटपुट वोल्टेज. और आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है वो हो गया XI अपॉन XT. दिस इज योर आंसर. दैट इज E0 अपॉन EI ऑफ अ लीनियर या ट्रांसलेशनल पोटेंशियोमीटर. बात समझ में आई? इज इट क्लियर नॉट?
तो इसी तरीके से आप सेंसिटिविटी भी लिख सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, आउटपुट का वोल्टेज और इनपुट का डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट का वोल्टेज जीरो और एक्साइज जो है वो सेंसिटिविटी को डिनोट कर रहा है। या सेंसिटिविटी अगर मैं लिखूं ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ लीनियर पोटेंशियोमीटर या ट्रांसलेशन पोटेंशियोमीटर दैट इज पॉट, अगर मैं मेजर करना चाहूं तो सेंसिटिविटी होता है बेसिकली आउटपुट में चेंज अपॉन चेंज इन इनपुट, दैट इज आउटपुट चेंज अपॉन इनपुट चेंज। तो यहां पे आउटपुट आपका क्या आ रहा है, E0, और इनपुट कितना है, XI। इनपुट कितना है, XI। तो बेसिकली अगर मैं E0 अपॉन XI को डिनोट करूं इस फॉर्मूले से, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं EI अपॉन XT। तो दिस टर्म E0 अपॉन EI एंड EI अपॉन XT डिनोट्स दी सेंसिटिविटी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंसिटिविटी को। इसका ग्राफ आप बना सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेंशियल, वो लीनियरली आएगा। अगर आप बनाना चाहें E0 अपॉन EI और XI बाय XT का ग्राफ, फॉर एग्जांपल E0 अपॉन EI का ग्राफ बनाएं एंड XI अपॉन XT का ग्राफ बनाएं, तो वो ग्राफ की पोजीशन लीनियरली आएगी क्योंकि वो उसके बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। बात समझ में आई। अभी अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियोमीटर के, कुछ इस तरीके से ही करेंगे। अभी यहां पे क्या था, मुझे नहीं पता था वाइपर कहां पर है, तो मुझे ये तो बता इनिशियल पोजीशन कितना है। हो सकता है इस आरपी के वन थर्ड पोजीशन पे हो, हाफ पोजीशन पे हो, या थ्री फोर्थ पोजीशन पे हो, जिस भी पोजीशन पे हो उस तरीके से यहां का रेजिस्टेंस अपन मेजर कर लेंगे इस पॉइंट का, यहां से लेकर यहां तक का, और मेजर करके आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर ये लीनियर पॉइंट की जगह रोटेशनल हो, ये बेसिकली जो अपन ने पढ़ा ये लीनियर पोटेंशियोमीटर था, ये जो अपन ने पढ़ा यहां पे पॉट, वो लीनियर पोटेंशियोमीटर के लिए डायग्राम था जिसमें वाइपर का पोजीशन ऐसे लीनियर था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अगर ये रोटेशनल पॉट हो तो थीटा के टर्म्स में हो जाएगा, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हो जाएगा। उस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। अगर ये रोटेशनल फॉर्म में होता, ये तो लीनियर का एग्जांपल है, अगर रोटेशनल को आप लिखते तो कैसे लिखते, देखिए रोटेशनल को आप कैसे बनाते। ये रोटेशनल पॉट है मान लीजिए, दिस इज दी रोटेशनल पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा ही होता है। यहां मैंने इसको दिया है प्लस माइनस ई आई, दैट इज द इनपुट वोल्टेज, यहां से लेकर यहां तक ये जो मूव हो रहा है इसको मैंने कहा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा आई। और मैं उसको मेजर कैसे कर रहा हूं, यहां से इन टर्म्स ऑफ ई जीरो, तो वो मेजर कैसे हो रहा है ऐसे, और मेजर क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, ई जीरो इन टर्म्स ऑफ, एम आई क्लियर ऑन। तो ई जीरो आउटपुट वोल्टेज हो गया या इनपुट वोल्टेज हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या उसका थीटा आई, और इस पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज मैंने कहा टोटल टोटल लेंथ ऑफ द वाइपर, यहां पे एक्स टी था क्या, टोटल एंगुलर लेंथ कितना है थीटा टी, टोटल एंगुलर लेंथ कितना है थीटा टी। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, यहाँ पे E0 अपॉन EI इज इक्वल टू थीटा आई अपॉन थीटा टी, जैसे XI अपॉन XT रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे थीटा आई अपॉन थीटा टी रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई। थीटा आई क्या है, इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द, इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्रीज, एंड थीटा टी क्या है टोटल ट्रेवल ऑफ द वाइपर इन डिग्रीज, कितना हुआ थीटा इज द इनपुट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आप लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर, और थीटा टी क्या है टोटल कितना वाइपर घूम सकता है, दैट इज थीटा टी। तो उसको बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा एंगुलर, दैट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइपर। तो मैंने आपको दो चीजें यहां डिस्कस कराई, व्हाट इज लीनियर पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज एंगुलर पोटेंशियोमीटर। यहां पे XI अपॉन XT लीनियर के लिए हो गया, थीटा I अपॉन थीटा T एंगुलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंसिटिविटी मैंने आपको बताई थी, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ लीनियर, क्योंकि यहां पे लीनियर है, दैट इज द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर के, कि क्वेश्चन कैसे आते हैं उस बारे में बात करते हैं। देखिए द क्वेश्चन ऑफ द पोटेंशियोमीटर जो हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन यहां पे आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐसे बड़े बड़े आते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है लीनियर रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इज 50 mm लॉन्ग, यानी रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है 50 mm की लेंथ है, इज यूनिफॉर्म बाउंड विद द वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10,000 ohm। तो जो आरपी की वैल्यू है वो यहां पे कितनी दे रखी है 10,000 ohm, ये किसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर की, ये आपका टोटल लेंथ है कितना 50 mm, टोटल लेंथ ऑफ द वाइपर दैट इज 50 mm। अंडर नॉर्मल कंडीशन द स्लाइडर कहां पर है, सेंटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेंटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या हो गया, अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका पोटेंशियोमीटर का, जो मैंने अभी आपको बताया था बना के, वो देखिए ये आपका पोटेंशियोमीटर है,
दिस इज योर पोटेंशियोमीटर. अगर मैं इसको कोई इनपुट वोल्टेज दे दूं दैट इज प्लस माइनस ई, और हम यहां बात क्या कर रहे हैं कि ये जो पूरा आपका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 10,000. जो स्लाइडर है वो बिल्कुल सेंटर पे है, यानी 5,000 ओम ऊपर हो गया 5,000 ओम नीचे हो गया. टोटल आरपी कितना है 10,000 ओम, तो आधा ऊपर आधा नीचे क्योंकि वायर तो बीच में है. दिस इज द आउटपुट वोल्टेज जो आप यहां पे मेजर कर रहे हो प्लस माइनस, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइपर इज एक्स आई, टोटल कितना है लेंथ एक्स टी, ठीक है. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो था वो आपका था 10,000 था या नहीं था, अगर बीच में बांट दिया इसका मतलब 5,000 इधर हो गया 5,000 इधर हो गया, आधा आधा बढ़ गया नहीं बढ़ गया. अगर कोई बोले कि मैं इसको 5,000 निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइपर एट सेंटर पोजीशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन देखिएगा, व्हेन वाइपर सेंटर पोजीशन पे है, व्हेन वाइपर इज एट सेंटर पोजीशन, व्हेन वाइपर इज एट सेंटर पोजीशन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दैट इज टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आरपी डिवाइड बाय 2. ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, वो कितना हो गया 5,000, आधा ऊपर आधा नीचे, बात समझ में आती है. अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी निकालूं, सेंसिटिविटी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है डिवाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर रेजिस्टेंस को तो बता रहा है, तो मैं उसको मेजर कैसे करूंगा. अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं यहां पर, सेंसिटिविटी जिसको मैं एस बोल रहा हूं वो हो गया डी आर बाय डी एक्स. तो कितना रेजिस्टेंस चेंज है टोटल की अगर बात करें, कितना है 10,000 टोटल डिवाइड बाय डी एक्स, वो डी एक्स कितना है दैट इज 50 mm, दैट इज 50 mm, और ये कितना है ओम. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 200 ओम पर mm. ये आपकी सेंसिटिविटी हो गई जो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस अपॉन एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है. क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डी आर बाई डी एक्स की जगह आप आर बाई एक्स लिख दीजिए, बात एक ही है, दैट इज रेजिस्टेंस अपॉन एक्स. ये सेंसिटिविटी है कि ओम में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना है mm. टोटल इस आरपी की वैल्यू 10,000 थी. अगर मैं कहूं हर इंच पर एक एक साइड एक एक एमएम पे कितना रेजिस्टेंस, तो वो कितना रिप्रेजेंट करेगा 200 ओम पर, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ निकाल लिया. ये मैंने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया. क्या कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया. हर लेंथ पर रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी, तो हाफ में तो पता नहीं, 5,000 है 200 ओम हर एमएम की वैल्यू बता रहा है, एक एमएम में रेजिस्टेंस कितना है 200, हर एमएम में 200 ओम, हर एमएम में 200 ओम, हर एमएम में 200 ओम, बात समझ में आई नहीं आई. तो अगर मैं 50 ओम के लिए निकालूं तो उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 ओम आंसर वहां से आ जाएगा. अब क्वेश्चन क्या है, ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि डेटा दे रखा है उसके बारे में. क्वेश्चन ये है कि आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर रेजिस्टेंस 5,000 ना हो कितना हो 3850, कितना हो 3850 हो, और एक बार कितना हो 7560, एक बार तो 3850, एक बार कितना हो 7560. तो केस नंबर वन में अगर मैं ए पार्ट की बात करूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 3850 है तो चेंज इन द रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5000 माइनस 3850, तो मैं क्या बात करूंगा, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5000 माइनस 3850. अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 1150, that is 850, 150, 4 and 5, that is 1150, that is the value of change in resistance, that is DR. आपको उसने क्या कैलकुलेट करने को बोला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाली है. अब देखो सेंसिटिविटी वाला फॉर्मूला है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सेंसिटिविटी है, तो ये फॉर्मूला वही का वही रहेगा, एस इक्वल टू डी आर बाय डी एक्स. आपको डी एक्स निकालना है तो डी आर बाय एस कर दीजिए, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है 1150, सेंसिटिविटी आप यहां से निकाल चुके हैं कितना है 200 ओम पर mm, तो ओम और ओम कट जाएगा, 1150 डिवाइड बाय 200 तो 00 कट गया, 115 डिवाइड बाय 20 आप कैलकुलेट कर लेंगे, 115 डिवाइड बाय 20 आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 5.75 mm. कितना आएगा 5.75 mm. ये कुछ वैल्यू देंगे हमने याद कर रहे लिख रहे आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही तो कहा आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो जब ये वैल्यू आ रही हो, बात समझ में आई. इसी का बी पार्ट अगर कैलकुलेट करें तो सेम टू सेम वो कह रहा है कि अब चेंज इन रेजिस्टेंस अब कितना है 750, तो 7560 को 5000 में से माइनस कर दीजिए, 750 को या 5000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2560, तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 7560 माइनस 5000, तो 672560. ये आपकी किसकी वैल्यू है, डीआर की वैल्यू, किसकी वैल्यू है डीआर की. और कैलकुलेट क्या करना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी आपको दे रखी है, यानी आपको डीएक्स कैलकुलेट करना है जो कि आपको पता है डीआर बाय डीएस है सेंसिटिविटी,
ये हो गया 2560 और ये हो गया 200 ओम पर एमएम, ये तो ओम में था ही, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 256 डिवाइड बाय 20, तो 256 डिवाइड बाय 20 कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 12.80 mm, ये आपका अभी का आंसर हो गया, ये पहले का आंसर हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, ए और बी के लिए सॉल्व हो गया, इजी है बात। दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेजर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, अगर यहां पे मैं जैसे यहां पे कहा कि 3850 मेजर कर लूं, यहां पे कहा कि 7560 मेजर कर लूं, वो कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैं 10 ओम मेजर करूंगा, कितनी मेजर करूंगा 10 ओम, तो बोल रहा है रेजोल्यूशन कितना होगा पोटेंशियोमीटर का, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डीआर आपको अब 10 ओम दे दिया है, वो बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, रेजोल्यूशन मींस द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर व्हेन द चेंज इन रेजिस्टेंस इज 10 ओम, यानी सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे निकालना है डीएक्स जो कि है डीआर बाय एस, चेंज इन रेजिस्टेंस 10 ओम, सेंसिटिविटी आपको क्वेश्चन में पता है 200 ओम पर एमएम, ये क्वेश्चन है, अगर आप सॉल्व करेंगे 10/200 तो आंसर कितना आएगा 0.05 mm, दिस इज योर आंसर, दैट इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर्ड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो आप मेजर कर सकते हो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड और रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन, इज इट क्लियर और नॉट, बात समझ में आती है बात, इज इट क्लियर और नॉट, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर दैट इज 0.05 mm, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पोटेंशियोमीटर का जो है, देखिए बात करते हैं क्या है, आप रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर डिवाइडर R1 R2, R1 R2 कौन, ये R1 R2 टोटल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है, वो कितनी है 5000 विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 5000, यानी टोटल वैल्यू इसकी है 5000, इसकी वैल्यू कितनी है 5000 टोटल, ठीक है, एंड अ शार्प स्ट्रोक ऑफ 125 mm, शार्प स्ट्रोक ऑफ 125 mm मतलब इसकी टोटल लेंथ जो है R1 R2 पोटेंशियोमीटर की, जिसको आप RT नाम दे दो RP नाम दे दो, वो कितना है 125 mm, इज यूज्ड इन द अरेंजमेंट एज शोन दैट पोटेंशियल R3 R4 इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5000 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 5000 ओम ही है टोटल RP एट EI इक्वल्स टू 5 वोल्ट, अब कंडीशन यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, इसका R3 R4 का रेजिस्टेंस भी 5000 ओम है, इस R1 R2 का रेजिस्टेंस भी 5000 ओम है, और शार्प स्ट्रोक कहां पे दे रखा है, टोटल शार्प स्ट्रोक है 125 mm, ठीक है, अब देखो सेकंड चीज क्या है, इनिशियल पोजीशन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट सच दैट R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि इसका रेजिस्टेंस, आधे वाले का रेजिस्टेंस 2500, इस वाले का रेजिस्टेंस भी 2500, यानी वाइपर कहां पे है मिड स्ट्रोक में, तो ये 5000, ये 5000 है टोटल, 2500 यहां पे, 2500 यहां पे, एट द स्टार्ट ऑफ टेस्ट, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ वाइपर की पोजीशन आउटपुट मेजर करने के लिए R3 R4 इस तरीके से एडजस्ट किए गए कि ब्रिज बैलेंस हो गया, R3 R4 इस तरीके से एडजस्ट किए गए कि ब्रिज बैलेंस हो गया, ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब आउटपुट जीरो आ गया, तो ब्रिज बैलेंस करने का मतलब क्या है, 2500 upon 2500 = 2500 upon 2500, इसका मतलब ये भी 2500 है और ये भी 2500 है, तभी तो इस E0 की वैल्यू जीरो आ रही है, अगर ये E0 जीरो आ रहा है इसका मतलब ये दोनों भी क्या है बराबर है, यानी ये वाला भी मिड स्ट्रोक पर है, ये तो ऑलरेडी मिड स्ट्रोक पर दे रखा है, वो ये कह रहा था कि ये भी मिड स्ट्रोक है, लेकिन कहने का तरीका उसका क्या है कि R3 R4 इस तरीके से मैंने एडजस्ट कर दिया है कि E0 क्या आ रहा है जीरो, E0 जीरो आने का मतलब है कि ये दोनों भी क्या है बराबर, तभी तो ब्रिज बैलेंस होगा, मिड स्ट्रोक ब्रिज की तरह 2500 upon 2500 = 2500 upon 2500, ये इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, बाद में क्या बोला वो अज्यूमिंग दैट, अच्छा ये 125 mm टोटल लेंथ थी, तो मिड स्ट्रोक ये रहा, मिड स्ट्रोक ये रहा, इसके मतलब आधी लेंथ वो हो गई 62.5 mm, और ये वाली आधी लेंथ कितनी हो गई 62.5 mm, हुई या नहीं हुई, बात समझ में आई नहीं, ये वाली आधी लेंथ 125 डिवाइड बाय 2 62.5, 62 to 62 कितना होता है 124.5, हाँ तो ये कितना हो गया 0.5 125, आधी लेंथ होगी 62.5, ये लेंथ भी कितनी होगी 62.5, ये इनिशियल कंडीशंस आपको अभी पता है, ठीक है, बाद में क्या बोला गया है, अज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड विल मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 12.5 टुवर्ड्स ए, यहां पर दो पोजीशन दे रखी है, एक पोजीशन नंबर ए, पोजीशन नंबर बी, ये क्यों दे रखा है, उसने कहा कि ये वाइपर थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, कितना अपवर्ड शिफ्ट हो गया है 12.5 mm ऊपर चला गया है, किस तरफ ए की तरफ, किस तरफ ए की तरफ, तो डायग्राम अब क्या हो जाएगा, देखिए ये डायग्राम आपका ऐसा था, ईआई की वैल्यू क्या थी 5 वोल्ट, ये आपका रेजिस्टेंस था R1 R2 रेजिस्टेंस था, पहले मिड स्ट्रोक पे था, अब ये यहां पे कहीं चला गया है जिसमें वो कह रहा है कि 62.5 तो ऑलरेडी था, 12.5 ऊपर चला गया है, यानी कितना ऊपर चला गया है 62.5 प्लस 12.5 ऊपर चला गया है, यानी कितना हो गया 62 और 2 साइड 64 64 प्लस 10 is 74.5 दैट इज
75 mm ऊपर चला गया है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? टोटल 125 में से अगर 75 बटा दोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा? 50 mm। देखो 50 + 75 mm, टोटल 125 mm हो गया, बच रहा है नहीं बच रहा है? ये कितना शिफ्ट हो रहा है? 12.5 अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद यहां की कोई कहानी नहीं बता रहा, यानी यहां की कहानी अभी भी सेम टू सेम ही है, यानी यहां पे तो ये मिड स्ट्रोक पे ही है। मिड स्ट्रोक का मतलब यहां पे तो आप बीजी मेजर कर ही रहे हो, मिड स्ट्रोक का मतलब हो गया कि यहां पे अभी भी रेजिस्टेंस आधा वाला 2500 है और ये वाला रेजिस्टेंस भी अभी 2500 ये, यहां पे चेंजेस नहीं है रेजिस्टेंस में, यहां रेजिस्टेंस में कुछ चेंज हो गया है, वो आपको मेजर करना पड़ेगा, लेकिन वो दे नहीं रखा है। वो ये कह रहा है कि वाइपर अब ऊपर चला गया है 12.5 पोजीशन ए की तरफ, 12.5 ए की तरफ मतलब 62.5 तो पहले था, अब आधा ऊपर चला गया है। किसी को समझ में आ रही दिक्कत है तो बताना, ये 62.5 कहां से आया? मैंने कहा टोटल 125 था, ये मिड में था वाइपर पहले, तो आधा आधा मैंने बांट लिया, रेजिस्टेंस को भी बांट लिया और डिस्टेंस को भी बांट लिया, ठीक है, अब ये ऊपर चला गया। अब आपको पता होगा बैलेंस कंडीशन में हम जब ढूंढते हैं हम कहते हैं कि ये सब सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूं। अगर मैं इस पोजीशन का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, देखो ये रेजिस्टेंस R1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R3 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये R4 रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे E0 मेजर करने के लिए बेसिकली चाहिए क्या? अगर मैं KVL लगाऊं तो वोल्टेज अक्रॉस R1 और वोल्टेज अक्रॉस R3 चाहिए तो E0 मेजर हो जाएगा, या मैं चाहूं तो वोल्टेज अक्रॉस R2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R4 मेजर करूं तो भी E0 मेजर हो जाएगा। तो बेसिकली E0 है क्या? वोल्टेज अक्रॉस R2 माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4। आप KVL लगाओगे तो ये तो आएगा वोल्टेज अक्रॉस R2 माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4 माइनस E0, that is E0 equals to voltage across R2 minus voltage across R4। तो R2 का voltage में मेजर कैसे करूंगा? What is the voltage across R2? That is given by, voltage across R2 is given by 75 upon 75 plus 50 into total resistance, और total resistance कितना है? 5000। तो मैं क्या लिखूंगा? R2, उसका length कितना है? 75 mm divide by 75 plus 50 mm, that is total length into, क्या लिखेंगे? टोटल R1 R2 का रेजिस्टेंस कितना था? टोटल 5000 ओम। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो R2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज 75 upon 125 into 5000। ये मैंने बताया वोल्टेज डिवाइड रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 जो आ रहा है वो आ रहा है 3000 ओम। कितना आ रहा है? 3000 ओम। पहले कितना था? 5 ऊपर था 5 नीचे था, यहां 2.5 ऊपर था 2.5 नीचे था, यहां 2.5 ऊपर था यहां 2.5 नीचे था, यहां 2.5 ऊपर था यहां 2500 नीचे था। अभी क्या हो गया? नीचे का रेजिस्टेंस 3000 हो गया, तो ऊपर का रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000। ये इसकी वैल्यू है 3000 ओम, भी आपने कैलकुलेट करी तो ऑटोमेटिकली 2000 ओम हो गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल कितना है? 5। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बी आउटपुट मेजर करना है, एंड दैट इज गिवन बाय वोल्टेज अक्रॉस R2 माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4, ठीक है। तो जैसे इसका वोल्टेज मैंने मेजर किया समथिंग अपॉन समथिंग इनटू इनपुट वोल्टेज, तो ऐसे ही मैं उसको भी मेजर कर लूंगा। तो मेजर कैसे करूंगा अगर उसकी वैल्यू मेजर करनी है? देखो यहां तो रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं R2 upon R1 plus R2, पर क्या डिस्प्लेसमेंट दे रखा था तो मैंने निकाला इसका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। R2 के केस में जो आंसर आ रहा है वो है 3000। कितना आ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ R4? कितना निकालोगे अगर निकालना चाहोगा? ये तो R2 की वैल्यू निकाली है मैंने, ये किसकी वैल्यू निकाली है? दैट इज नॉट वोल्टेज अक्रॉस R2, दैट इज R2। ये क्या निकाला है? R2। अगर आप वोल्टेज अक्रॉस R2 इसको बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R2 बोलते तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करते थे? जो इनपुट वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो अभी यहां पे लिख लीजिए इसे R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू दैट इज 3000 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस R2 जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना लिखेंगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू इनपुट वोल्टेज कितना है? ई यानी 5 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस R4 क्या लिखेंगे? 2500 डिवाइड बाय 2500, यानी उसको लिखेंगे कैसे? R4 अपॉन R4 प्लस R3 इनटू टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है? 5। जैसे आप एक्सटर्नल रूप में लगाते हो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हो? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, दिस अपॉन दिस प्लस दिस इनटू इनपुट वोल्टेज, दिस अपॉन दिस प्लस दिस इनटू इनपुट वोल्टेज, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है? V0 इज गिवन बाय व्हाट इज R2? 3000 अपॉन 3000 प्लस 2000 माइनस R4 कितना है? 2500 डिवाइड बाय 2500 प्लस 2500 इनटू इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा 5 वोल्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 3000 अपॉन 5000 माइनस 2500 डिवाइड बाय 5000 इनटू 5। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3000 माइनस 2500 इज 500 डिवाइड बाय 5000 इनटू 5। यहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 25/5 आ जाएगा और आंसर कितना आएगा? 0.5 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 0.5
volt. Am I clear or not? This is the value of V0 when this wiper displaced by a distance of 12.5 towards position number A. Am I clear all of you? आपको पता पड़ा resistance के case में voltage divide rule कैसे लगाते हैं, ये तो आपको पता ही था। अगर resistance के case में displacement के terms में voltage divide rule लगाना है तो आप लगा सकते हैं easily। बात समझ में आ रही है? potentiometer का question करना है, जैसे exam में आएगा तो करके आओगे, ठीक है? चलिए next।